लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए पत्रिका समूह सदैव जनता के संवाद और भागीदारी में विश्वास रखता आया है। लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव केवल स्वच्छ राजनीति की बुनियाद पर जनता के साथ संवाद और भागीदारी से ही संभव है। इसी उद्देश्य से पत्रिका ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चेंज मेकर्स महाअभियान शुरू किया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राजनीति में स्वच्छता एवं स्वच्छ छवि के लोगों को आगे लाने का था। इसी के तहत विधानसभा चुनाव 2018 में जनप्रतिनिधियों से उनकी प्रतिबद्धता जनता द्वारा और जनता के लिए क्या रहेगी, इसके बारे में जन एजेंडा मांगा गया था। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे घाटोल विधानसभा क्षेत्र से विधायक हरेंद्र नीनामा से और पूछेंगे सवाल 10 सूत्रीय जन एजेंडा को लेकर। साथ ही जानेंगे आपके क्षेत्र के विकास के लिए आपके जनप्रतिनिधि की क्या है तैयारी। नमस्कार, स्वागत है आपका माय मेंबर कार्यक्रम में। मैं हूं विनोद नायक। आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं घाटोल के भाजपा विधायक हरेंद्र जी नीनामा से। मुलाकात से पूर्व हम आपको बता दें कि घाटोल से विधायक बने हरेंद्र जी नीनामा इससे पूर्व घाटोल के प्रधान पद पर कार्यरत थे। उन्हें पहली बार टिकट मिला है। नीनामा के परिवार की पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो किसान है। उनके परिवार में कोई पहले राजनीतिक से नहीं था। नीनामा खुद कम उम्र में भाजपा से जुड़े, कॉलेज के समय से ही वह सक्रिय रहे और उन्हें भाजपा से पहली बार टिकट मिला और कांग्रेस के नानालाल नीनामा को हराकर वह भाजपा से विधायक चुने गए। तो हम नीनामा से बात करेंगे और जानना चाहेंगे क्षेत्र के विकास के लिए वे क्या प्रयास करेंगे, क्या उनकी ओर से प्रयास किए गए हैं, यह सवाल हम जानेंगे। इससे पूर्व हम पहला सवाल इनसे करते हैं कि क्षेत्र के विकास के लिए आपका क्या सपना है। क्षेत्र के विकास के लिए मेरा जनता में चुनाव के बीच में भी गया हूँ। उन्होंने जो भी समस्याएं रखी उन समस्याओं को मैंने मेरे डायरी के अंदर नोट किया है। उनको एक एक समस्या को लेकर के विभाग वाइज अधिकारियों से मिल करके उनकी जानकारी विभाग को दे करके इन समस्या को समाधान करने के लिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा। क्योंकि चुनाव के अंदर सड़क टूटी हुई इसकी भी बात आई है मेरे पास में। विधानसभा क्षेत्र की 22 पंचायत मेरे प्रतापगढ़ जिले में पड़ती है, जहां पर दो तालाब, बड़े बड़े तालाब पुराने लोगों की मांग है। वो बना टॉप नाम का एक बांध की सर्वे करके जो उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में चल रही, उसकी भी पैरवी करूंगा। एक बावड़ी खेड़ा तालाब की भी बात आई और पिपल कोर्ट में हाई लेवल केदार की बात आई, तो 22 पंचायतों को माही का पानी वहां से हाई लेवल केदार बनाने का प्रस्ताव पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा जी ने एक सर्वे करवा के रखा है। उस प्लान को भी मैं विधानसभा में रखूंगा और सरकार से बातचीत करूंगा। नीनामा जी, वे कौन से काम होंगे जो आपकी प्राथमिकता में सबसे पहले रहेंगे? मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले से भी मैं कह रहा हूँ कि मेरी प्राथमिकता शिक्षा की दृष्टि से दोनों उपखंड कार्यालय पिपलकोट और घाटोल में महाविद्यालय खुलवाने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ूंगा। क्योंकि इस क्षेत्र में आज तक आजादी के 71वें साल में भी कई विधायक आए, कई विधायक गए, लेकिन उपखंड स्तर पर हमारे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में महाविद्यालय सरकारी महाविद्यालय न होने से प्राइवेट महाविद्यालय खोले गए हैं सरकार के द्वारा। वहां पर डबल फीस देनी पड़ती है, लड़के बेरोजगार, ज्यादा परेशानी होती है। इस स्थिति में मैं इसका प्रयास करूंगा। पहले विधायक रहते हुए उन विधायकों ने जो काम नहीं किए हैं, आपकी नजर में वे कौन से काम हैं जो उन्होंने नहीं किए, वो काम आप करवाओगे? पहले विधायक रहे, उन्होंने वो काम नहीं करवाया। उनमें से मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जो माई डैम बना और हमारी आरएमसी कैनाल मिली, जो कम से कम 80% भूभाग हमारा घाटोल विधानसभा का कवर करता है, उसमें कैनालों की मरम्मत उन्होंने नहीं करवाई। पूरी आरएमसी की मरम्मत नहीं करवाई, कैनालों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। काश्तकारों को खेत आज सिपेश होकर के बर्बाद हो रहे काश्तकार, उसकी तरफ भी पूर्व विधायकों ने ध्यान नहीं दिया गया। बहुत सारी कैनालों में आज तक टेल तक पानी नहीं गया, उसके लिए काश्तकारों को परेशानी आ रही है। जो खमेरा एक कैनाल निकली है, कम से कम 10 साल से काम चल रहा है, लेकिन उसमें पूरा ध्यान न देने की वजह से हमारी जो 10-12 पंचायत नॉन कमांड की सूखी पड़ी है, वो इंतजार कर रहे वहां के काश्तकार। उसके लिए पूरी लड़ाई लड़ूंगा मैं। नॉन कमांड क्षेत्रों के लिए आप क्या प्रयास करोगे?
नॉन कमांड सेंटर के लिए मैं वही कह रहा हूँ जो एक फवारा सेट खेती करने के लिए कैनाल निकाली है खमेरा जी, खमेरा माइनर जो मुंगरा माइनर से कष्ट निकलती है मुंडवेड़ा होकर के जो नॉन कमांड क्षेत्र में वो कैनाल का काम चालू है। अभी बीच में इसकी गति धीमी हो गई थी जनप्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब मैंने इस बात को हिलाने का प्रयास किया है उस कैनाल को पूरा जल्दी से जल्दी काम पूरा करा करके उस नॉन कमांड क्षेत्र में पानी देने की, और ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर कैनाल से पानी नहीं जाएगा वहां पर लिफ्ट परियोजना शुरू करवा करके भी काश्तकारों को राहत देने का मेरा प्रयास रहेगा। आप जनता से सीधा संपर्क कैसे करोगे? जनता में संपर्क करने की मेरे में पूर्व में आदत रही है, मैं पूर्व में प्रधान था तो भी मैं शिविरों के माध्यम से जनता के बीच में जाता था, बैठकों के माध्यम से जनता में जाता था, जनता से सीधा संवाद करता था, जनता के एरिए के अंदर कार्यकर्ताओं के घर जाकर के बैठ के समस्या को सुनने की मेरे पहले से आदत है, और अभी भी मैं एरिए में सीधा संपर्क जनता से करूंगा। जहां पर भी जो भी समस्या है उस गांव में बैठक लेकर के वहां की बात को सुन करके फिर मैं कलेक्टर या जिला लेवल के अधिकारी या राज्य सरकार से बात करना पड़ेगा तो सीधे प्रार्थना पत्र लेकर के उस प्रार्थना पत्र के माध्यम से जनता के रूबरू होकर के उस बात को आगे रखूंगा। आप विपक्ष में होते हुए कैसे काम करोगे? विपक्ष में होते हुए काम तो काम ऐसा है कि विपक्ष पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं, लेकिन विधायक विधायक होता है, विधायक के पावर वही है जो सत्ता पक्ष का विधायक है, वही पावर विपक्ष के विधायक का है, लेकिन सत्ता और विपक्ष का थोड़ी भूमिकाओं में थोड़ा फर्क सरकार करेगा, लेकिन मेरा तो राजनीतिक में जन्म ही विपक्ष में हुआ है इसलिए मुझे पूरा लड़ने आता है। विपक्ष में किस तरह से सड़क पे लड़ाई लड़ने को मेरे को आता है, ज्ञापन देने के माध्यम से मेरे को आता है, और महकमे में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को किस तरह से समाधान हो उसकी पूरी मेरे को विपक्ष की भूमिका को मैं इसकी जानकारी है, इसलिए मुझे तो कोई ऐसी चिंता ही नहीं है मैं पक्ष में विपक्ष में हूँ ऐसा तो मेरे को तो पता ही नहीं लग रहा है। मेरे तो आज भी काम हो रहे और भविष्य में मेरे कार्यकाल में जनता के सारी समस्या का समाधान करूंगा। विपक्ष में रहकर सरकार का विरोध कैसे करोगे? सरकार में बड़े अगर बड़े कार्य योजना अगर सरकार नहीं करती है तो उसके लिए तो मैं विधानसभा में प्रश्न उत्तर करके विधानसभा के माध्यम से जब सत्र प्रारंभ होगा उस समय मैं उस बात को विधानसभा में बड़े कामों के लिए रखूंगा, और उन बड़े कामों को वहां पर भी सरकार अगर नहीं मानती है तो मैं जनता को लेकर के धरना प्रदर्शन, हमको अच्छी तरह से याद है सदन में भी लड़ना जानते हैं और नहीं तो हम रास्ते पे लड़ करके भी जनता के बीच में रह करके जनता को साथ रह करके काम तो कराने के सरकार को पूरा दबाव। आज की तारीख में विपक्ष इतना मजबूत है कि 101 तरफ है 101 तरफ सामने हम बैठे हुए विधानसभा, इसलिए हमें कोई चिंता जैसी बात नहीं। चुनाव के दौरान जनता से क्या वायदे किए थे? जनता के लिए मैंने कहा खास करके जनता की मांग थी सीपेज कैनालों की, कैनालों की मरम्मत करने की, सड़कें अधूरी हमारी टूटी हुई पड़ी है उन सड़कों को मरम्मत कराने की बात है। आज सड़कों के लोगों ने कई शिक्षित बेरोजगारों ने और युवाओं ने मुझे कहा है कि हमारा कॉलेज होना चाहिए, हमारे लिए आईटीआई कॉलेज होना चाहिए, उसके लिए भी मैं पूरी ताकत लगाऊंगा, और खास करके एक दो जगह ऐसी है जो पीपलकोट क्षेत्र की भी है जहां पर रोनिया पंचायत और प्रतिपुरा पंचायत के बीच में पूर्व सरकार वसुंधरा जी को इस मौके में मैं पत्रकार महोदय धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि उन्हें 30 करोड़ रुपए मंजूर किए, लेकिन हमारा शिलान्यास नहीं होने से एक पुल बहुत बड़ा है दो गांवों को जोड़ता है, उस पुल को कराने के लिए मैं पूरी ताकत लगाऊंगा। चुनाव के दौरान आपने जो वायदे किए थे उसको पूरा करने के लिए आप क्या प्रयास करोगे? चुनाव के वायदा को पूरा करने के लिए मैं तो लड़ाई लड़ूंगा, कोई दिक्कत नहीं, संबंधित विभागों में चाहे वो पीडब्ल्यूडी का मामला हो, चाहे एरिकेशन का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे आम जन की छोटी मोटी कर्मचारियों की बात हो, यही होगी तकलीफ होगी जनता की।